हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। आप लोगों की नीट 2022 की करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। पहली चीज जो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा, चाहे उनका कोई करेक्शन है या नहीं है, यानी उन्हें कोई गलती करी है या नहीं करी है, सबसे पहले सारे एस्पिरेंट्स, जो भी नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, सभी बच्चे क्या करें, एक बार जाकर के चेक कर लें कि स्पेलिंग, नेम से लेकर के सारी चीजें, कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि हमने गलत कर दिया है, उसे करेक्ट कर ले। ये पहली चीज है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को अवेयरनेस भी नहीं होती है कि उन्होंने गलती की क्या है। वो अपना फॉर्म निकाल लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, ओके हो जाता है। उन्हें अब तक नहीं पता कि उन्होंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है या नहीं की है। सबसे पहले 24 से 27 तारीख, 3 दिन आपको मिल रहे हैं, यानी चौथा दिन 27 है, आज से देखा जाए तो 3 दिन है आपके पास में, 24 to 27 ये दिन है, और 27 को भी रात 9 बजे से पहले पहले आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, करेक्शन की एज कोई फीस नहीं है, अगर आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो ही फीस लगेगी, वो भी अगर एप्लीकेबल हो तो, समझिएगा। उसके अलावा आप कुछ भी चेंज करते हैं, करेक्शन करने की कोई फीस नहीं है। इसलिए सबसे पहले हर बच्चा जाकर के एक बार देख ले कि उसका फॉर्म सही से फिल है, हर एक स्पेलिंग चेक कर ले। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली, अगर किसी बच्चे ने जो मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी है, एड्रेस दो हैं, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों दिए हैं, गलती कर दी है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, इनमें करेक्शन नहीं होगा इस साल, यानी आप करेक्शन नहीं कर सकते। अब बच्चे पूछेंगे कि सही, हमने एड्रेस चेंज कर दिया था, ये एड्रेस लिख दिया था, एड्रेस में हमने परमानेंट की जगह कॉरेस्पॉन्डेंस लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस की जगह परमानेंट लिख दिया, क्या करें? टेंशन की कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप टेंशन फ्री रहे, इन चीज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं। नेम में चेंज कर सकते हैं, पेरेंट्स नेम में चेंज कर सकते हैं आप इसके अलावा जो फोटोग्राफ आपने दी है उसमें चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर में भी चेंज कर सकते हैं, इन सब चीजों में भी आप चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड में अगर आपने वेरीफाइड करवा लिया था, वहां पर लिखा हुआ आ गया होगा आपके वेरीफाइड है, आप चेक कर सकते हैं जाकर के, अगर वेरीफाइड था तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ वेरीफाइड नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज, सपोज डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर वेरीफाइड कोई पॉइंट नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आधार कार्ड वेरीफाइड है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक इस बार क्या किया है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेंशन कर दिए, डोंट नो क्यों एनटीए ने ऐसा किया, हालांकि मैं इस बात पे सहमत हूं कि गलत है ऐसा करना। अगर करेक्शन करने को दे रहे थे तो सारे पॉइंट्स करेक्शन करवा सकते थे, लेकिन ऑप्शंस दे दिए हैं कि आइदर आप पेरेंट्स के नाम में करेक्शन कर सकते हैं, या आपके नाम में करेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप सिग्नेचर जो आपने नीचे साइन किए हैं, थंब इंप्रेशन दिए हैं, इनमें चेंज कर सकते हैं। ये एक आइदर पॉइंट देना गलत है माना के, लेकिन अब अगर सपोज करिए किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि पहला उनका फादर नेम में कोई गलती हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई, या फादर की जगह मदर नेम लिख दिया, मदर की जगह फादर नेम लिख दिया, ऐसा कुछ, करेक्ट कर सकता है वो, चाहे तो उसे करेक्शन दे सकता है। अब अगर सपोज करिए वो भी गलती कर दी उसने और सिग्नेचर भी गलत कर दिए, साइन में भी कुछ गलती है, अब क्या करे वो बच्चा? तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बच्चा पहले खुद का नाम देख ले, अगर वो सही है, उसके बाद में साइन देख ले वो सही है। अगर पेरेंट्स के नाम में गलती है और उसे करेक्ट नहीं कर पा रहा है, एफिडेविट बन जाएगा कोर्ट से जाकर के, नोटरी से, कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा। लेकिन नाम में ही गलती है या साइन मिसमैच हो रहे हैं आपके, नहीं मैच कर रहे हैं, यहां आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा आइदर वाला ऑप्शन मिल रहा है तो उसको अपने को करना है जिसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है, दूसरे जिससे अपन काम चला सकते हैं या जिससे केवल एफिडेविट बनवा के काम चल सकता है, तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ऐसे में आप ऑप्ट करिएगा जो साइन वाला पॉइंट है उसे। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। अगर मीडियम चेंज करने वाली बात है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, सपोज करिए पहले आपने इंग्लिश लिख दिया था पेपर लैंग्वेज के अंदर, मीडियम के अंदर, और अब आप चाहते हैं कि हमारा पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आए, तो ऐसे में हिंदी ऑप्ट करिए, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट करते हैं, अदर देन इंग्लिश कोई भी आप ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में आपको बायलैंग्वल आपका पेपर मिलेगा जिसमें इंग्लिश भी होगी और जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है वो भी होगी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख करके आगे चलिए, करेक्शन प्रॉपरली कर लीजिए, टाइम से पहले कर लीजिए, क्योंकि 27 की रात 9 बजे तक का टाइम है, उससे पहले पहले आप करेक्शन कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है
लास्ट मूवमेंट पे करने पर साइट हैंग होने लगे, दिक्कतें आने लगे आपको, तो लास्ट टाइम का वेट ना करिए, अभी जाकर के चेंजेस कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आते हैं नीचे, कोई भी क्वेरी होती है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इस कॉलेज काका चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले वीडियोज या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली पहुंच सके। थैंक यू।